हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. आई एम शारदा प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. ये डिप्लोमा 4 सेम का है, मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 2 का ठोस पदार्थों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल. पदार्थों के गुणधर्म उनके परमाणु की अवस्था पर निर्भर करते हैं. ये 3 टाइप के होते हैं जनरली. मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग इन ऑफ एटम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और थर्ड होता है एमोर्फियस स्ट्रक्चर विदाउट स्पेसिफिक फॉर्म. जब परमाणु सीमित संख्या में होते हैं तथा आपस में प्रबलता आबंधित होते हैं और जिनका अन्य समान प्रकार के परमाणुओं के समूहों के साथ अपेक्षाकृत दुर्बल आबंध यानी वीक बॉन्ड होता है, तब उनको अणु कहते हैं. क्रिस्टल ठोस में नियमित बारंबार परमाणुओं को 3 विमाओं अवस्था क्रिस्टल या रवा कहते हैं. क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर पदार्थों को 2 वर्गों में वर्गित किया गया है. फर्स्ट अक्रिस्टलीय पदार्थ एमोर्फस मटेरियल और क्रिस्टलीय पदार्थ. क्रिस्टलीय पदार्थ जिन ठोस पदार्थों में अणु के मॉलिक्यूल की संरचना का आधार होता है, जिनके कणों की संरचना या नियमित संरचना नहीं होती, अर्थात जिनके क्रिस्टल नहीं होते, अक्रिस्टलीय पदार्थ एमोर्फस मटेरियल कहलाते हैं. रवाहीन पदार्थों के मूल कण यानी पार्टिकल आपस में अव्यवस्थित ढंग से मिले रहते हैं. ये प्रायः प्लास्टिक होते हैं, प्रत्यास्थ इलास्टिक नहीं होते हैं. रबर एक अपवाद है. सेकंड है रवादार या क्रिस्टलीय पदार्थ, क्रिस्टलाइन मटेरियल. जिन ठोस पदार्थों में क्रिस्टल उनकी संरचना का आधार होते हैं और जिनके कणों की संरचना निश्चित डेफिनेट या नियमित होती है, अर्थात जिनके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल कहलाते हैं. ये पदार्थ प्रायः सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, तन्यता, डक्टिलिटी तथा चालकता, कंडक्टिविटी से मुक्त होते हैं. क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण. पहला है अवयवी कणों के मध्य बंधों के अनुसार वर्गीकरण. क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधों के अनुसार उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है. पहला है आयनिक क्रिस्टल. इसमें अवयवी कण धनावेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं. ये आयन संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं. इन आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है. यह क्रिस्टल दृढ़ होते हैं तथा इनके गलनांक उच्च होते हैं, जैसे NaCl, NaO3, LiF, Na2, SO4 आदि. आणविक क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल. इनमें अवयवी कण अणु होते हैं. ये अणु आपस में दुर्बल वंडरवाल्स बलों द्वारा रहते हैं. ये क्रिस्टल नरम होते हैं तथा इनके निम्न होते हैं ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ, आयोडीन आदि हैं. सहसंयोजक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल. इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं. ये परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे हीरा, सिलिका, सिलिकॉन, कार्बाइड आदि. धात्विक क्रिस्टल यानी मेटलिक क्रिस्टल. इनमें अवयवी कण धनात्मक धात्विक आयन होते हैं. ये धातु आयन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बंडल में तैरते रहते हैं. अवयवों के मध्य धात्विक बंध उपस्थित रहता है, जैसे कॉपर, निकल आदि धातुएं. ज्यामिति विन्यास के अनुसार वर्गीकरण. क्रिस्टली में ज्यामिति रूप के आधार पर उन्हें 7 समुदायों में बांटा गया था. स्पेस लैटिस. क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणु अपने आप को इस प्रकार सुनिश्चित ज्यामिति पैटर्न में व्यवस्थित करते हैं
जिनको स्पेस लैटिस कहते हैं। मुख्यतः यह तीन प्रकार के स्पेस लैटिस दिखाई गई है। पहला होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लोहे की घन संरचना क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। कक्ष के तापमान पर लोहे के एक एकल सेल यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक घन के केंद्र में एक एक परमाणु अवस्थ लोकेटेड होता है। लोहे का प्रत्येक परमाणु अथा केंद्रित घन संरचना में 8 निकटवर्ती लोहे के परमाणुओं से घिरा होता है। यह परमाणु कोने पर या एकल सेल के केंद्र में होता है। क्रोमियम तथा टंगस्टन में भी अंतःकेंद्रित घन व्यवस्था होती है। यह डायग्राम दिखाया गया, ये चारों कोने में अणु है और एक सेंटर में होता है, इसी कारण इन्हें बॉडी सेंटर क्यूबिक सेंटर होता है। एक कोने में हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक सेंटर में रहता है। सेकंड आते हैं फलक फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। घन संरचना होते हुए भी तांबे की कॉपर का परमाणु परिन्यास लोहे से भिन्न होता है। एकल सेल में प्रत्येक कोने पर अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एक परमाणु होता है, जबकि घन के केंद्र में कोई परमाणु नहीं होता। इस प्रकार का जालक लैटिस फेस सेंटर क्यूबिक कहलाता है। देखो एक एक ये पूरे कोने में 8-8 हैं और एक एक फेस में एक एक परमाणु टोटल। तो कितने फेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेस हैं, इसे हम फेस सेंटर क्यूबिक बोलते हैं। षष्ठ कोण संरचना हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। मैग्नीशियम के विशिष्ट षष्ठ कोण संरचना होती है। यह संरचना अधिक सघन होती है। इसमें प्रत्येक परमाणु एक परत लेयर में होती है जो अंतरालों के ऊपर तथा नीचे लोकेटेड होती है, तथा 3 परमाणु निकटवर्ती परत में होती है। ऐसी संरचना षष्ठ कोण कहलाती है। षष्ठ कोण ये कहता फेस एंड हेक्सागोनल है। इसमें क्या होता है, 1, 2, 3, 4 होते हैं, एक सेंटर में होता है, उसी के सेंटर में एक और होता है और तीनों फेस में एक एक और होते हैं परमाणु। यह होता है हेक्सागोनल।